हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 10x + 8 का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम इसे गुणनखंड निकालते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x² - 10x + 8 है, तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आप जब भी गुणनखंड निकालेंगे ना, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली संख्या, लास्ट में जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे, और एक्स स्क्वायर को जो गुणांक में संख्या रहेगा फर्स्ट में, उससे गुना करना है। यानी लास्ट वाली संख्या को हमें क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर को जो गुना में दिया हुआ जो संख्या, जो भी संख्या रहे उससे हमें गुना करना है। सबसे पहले आपको यही करना है। तो आठ में हम एक्स स्क्वायर ये है, इसे गुना में क्या लगा हुआ है 3, तो आठ में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो 24 आ जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या से गुना करना है जिसका गुना करने पर हमारा ये 24 आ जाए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमारा ये बीच वाला आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए, बीच वाला हमेशा हमको प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, आपके माइंड में जब आप ऐसे कीजिएगा ना, तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। तो 24 लाना है, तो 8 3 24, 8 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। देखिए पहला एक बार में, देखिए 8 में 3 से कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। इसको जोड़ के देखिए, 8 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो ये देखिए, हमें लाना है 10, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा संख्या को लेंगे, घटाएंगे भी तो 8 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, जो कि ये संभव है नहीं। अब देखिए, अब कोई दूसरा संख्या लीजिए आप। अब जो है 24 लाने के लिए 6 चौका 24, 6 में 4 से हमें गुना करना पड़ रहा है, यानी 6 में 4 से गुना करना पड़ रहा है, तो ये 24 आ जा रहा है। और 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10, देखिए बिल्कुल हमारा ये बीच वाला आ रहा है। यानी 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24, और 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 लाना है। तो माइनस में 10 लाना है, तो -6, और यहाँ पे -4 को जोड़ेंगे तो हमारा ये 10 चला आएगा और 24 पे चला आएगा। तो चलिए इसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3x² - 6x - 4x, क्योंकि -6 और -4 मिलकर हो जाएगा 10, तो माइनस में लेंगे, +8 है तो 8। अब जो है एक बार हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे लेकर के, फिर एक बार इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे लेकर। इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन होने वाला दिख रहा है, यानी बाहर निकलने वाला दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें से हम 3x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 3x में x से गुना होगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस 6x में से कॉमन हो गया 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 3x में 2 से गुना होगा तो 3 × 6x यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए बिल्कुल, जब एक कोष्ट में जो संख्या आप लिखे होंगे रहेंगे, वही संख्या बिल्कुल हम इधर भी लिख देंगे। x - 2 है तो इधर भी हम x - 2 लिख देंगे। बस आपको यही स्टेप जो है अपने माइंड में लेते चलना है। अब देखिए, अब हम बीच में कितना से गुना करेंगे इस x में, तो -4 आ जाए, -4x आ जाए, तो माइनस अगर हम 4 से गुना करेंगे तो -4x में करेंगे तो -4x, और -4 में -2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जा रहा है, बिल्कुल एकदम सही तरीके से हो जा रहा है। अब एक बार इन दोनों को साथ में लिख देंगे, 3x - 4, इन दोनों को हम क्या किए तो साथ में लिख दिए, ठीक। अब जो है फिर एक बार इन दोनों में से कोई भी एक बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम है, तो x - 2, देखिए यही हमारा गुणनखंड इसका निकल गया और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमें गुणनखंड बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आने के लिए चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। दूसरा क्वेश्चन है x² + 9x + 20 का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, x² + 9x + 20 है। तो आपको हम क्या बताया है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को लेकर के x² को जो गुना में रहेगा उस संख्या से गुना करना है। तो इसमें जो है x² के गुना में कुछ भी नहीं है। जब भी x² के गुना में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक होता है। तो 20 में आप एक से गुना करेंगे, तो 20 में जब एक से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। अब हमें ऐसी दो संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने पर 20 आ जाए, और उन्हीं दो संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बीच वाला आना चाहिए। तो गुना कीजिए, 5 चौका 20, आपके माइंड में मतलब अपने आप जो सेट होने लगेगा। तो 5 चौका 20, यानी 5 और 4 में जब हम गुना कर रहे हैं तो हमारा 20 आ रहा है, और 5 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारा ये 9 हो जा रहा है, यानी बिल्कुल ये 5 और 4 इस पे सेटिस्फाई है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इसे लेकर चलेंगे। तो चलिए x² से सॉल्व करते हैं। x² + 5 और 4 को लेकर चले तब हमारा 9 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 4x, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस में, +20 है तो यहाँ पे 20।
अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। चलिए इन दोनों में से आपको x कॉमन होने वाला, क्योंकि दोनों में x है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि हम x तो बाहर निकाल ले हुए, जो इस बॉक्स में रहेगा सेम इधर ही हम बॉक्स में लिख देंगे, x प्लस 5 है तो इधर भी x प्लस 5 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे कितना से गुना करेंगे x में, जो हमारा 4x हो जाए, यानी 4x हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम प्लस 4 से करेंगे तो 4x में 4 से गुना करेंगे x में तो 4x हो जाएगा, और 4 में 5 से करेंगे तो 5 का 20 हो जा रहा है, यानी हमारा ये 4 यहाँ पे सेटिस्फाई है। अब जो है एक बार इन दोनों को साथ में लिख देंगे, x प्लस 4 दोनों सेम है बॉक्स में, तो किसी एक को लिख दीजिए x प्लस 5, यानी इसका जो गुणनखंड निकल के आया वो x प्लस 4 और x प्लस 5 आया, तो यहीं पे इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें गुणनखंड को बनाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बताया कि लास्ट वाले को x² के जो भी संख्या में रहेगा गुना में रहेगा उससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर जो भी आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, हम आपके आंसर का रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू।